2PO4 माइनस की कंसेंट्रेशन. वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. HPO4 2 माइनस की कंसेंट्रेशन, फॉस्फेट आयन की कंसेंट्रेशन, H+ आयन की कंसेंट्रेशन, α1, α2, α3. ये वैल्यू थी C α1, फॉस्फेट की थी C α1, α2, α3. HPO4 2 माइनस की कंसेंट्रेशन थी C α1 α2 इंटू 1 माइनस α3, और H2PO4 की थी C α1 1 माइनस α2. α1 आया था Ka1 बाय C का स्क्वायर रूट. α2 α3 की वैल्यू क्या आई थी? Ka2 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ H+, और α3 की Ka3 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ H+. यही थी राइट. अब आपको सबसे पहले तो α1 चाहिए था. Ka1 की वैल्यू गिवन थी 10⁻³ मोलर, और C कंसेंट्रेशन कितना सवाल में दिया हुआ था, कंसेंट्रेशन ऑफ H3PO4 0.3 मोलर क्या, 0.1 मोलर. ओके, 10⁻¹. Ka1 का वैल्यू गिवन था, Ka2 की वैल्यू भी गिवन थी, Ka3 का वैल्यू भी गिवन था. आपको ये क्लियर है ना कि Ka1 क्यों बड़ा था Ka2 Ka3 से? Ka1 की वैल्यू Ka2 Ka3 से क्यों बड़ी थी? यू रिकॉल? कैन यू रिकॉल कि फर्स्ट टाइम, हाँ, रीजन क्या दिया था? फर्स्ट टाइम क्योंकि जैसे जैसे एसिड H+ लूज करेगा, H3PO4 से जब आप H2PO4 माइनस बनाओगे, फिर आप HPO4 2 माइनस बनाओगे, फिर आप PO4 3 माइनस बनाओगे, तो इन तीनों में लाइक 1, 2, 3 इसके पास तो H+ है ही नहीं, इट्स नॉट एसिडिक एट ऑल. यही H+ लूज कर सकता है, यही H+ लूज कर सकता है. हमने ये देखा था कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और नेगेटिव चार्ज आने से इसकी टेंडेंसी टू लूज H+ घट गई थी, क्योंकि एक एनायन एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को लूज नहीं करना चाहेगा बल्कि गेन करना चाहेगा. इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इसके कंपैरिजन में घट गई थी. इज दैट क्लियर ना? और जब आपने इस पे नेगेटिव चार्ज देखा तो इस पे तो नेगेटिव चार्ज और आ गया. इसकी टेंडेंसी H+ गेन करने की ज्यादा होगी, ना कि H+ लूज करने की. अच्छा, आप ये बता सकते हो इन चारों में से एम्फोटेरिक स्पीशीज कौन है जो H+ लूज भी कर सके, H+ गेन भी कर सके? बीच वाले ये दोनों, क्योंकि ये H+ लूज भी कर सकता है, और क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है तो ये H+ गेन तो कर ही सकता है. ये H+ लूज कर सकता है पर ये गेन नहीं कर सकता, सॉरी गेन भी कर सकता है. ये क्या है, इसके पास H+ लूज करने की टेंडेंसी 0, पर ये H+ गेन जरूर कर सकता है. ठीक है, तो अब आप यहां से देख लो कि α1 की वैल्यू क्या आएगी. फर्स्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आएगा? 0.1. Ka1, α2 की वैल्यू चेक करो. Ka2 इज 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय H+ का कंसेंट्रेशन. तो पहले H+ का कंसेंट्रेशन निकाल लेते हैं. कंसेंट्रेशन इज गिवन टू यू फॉर एसिड इज 10⁻⁻¹. α1 इज अगेन 10⁻⁻¹. सो 10⁻². तो हम यहां से बोल सकते हैं कि pH इज 2 माइनस log ऑफ दिस. α2 की वैल्यू देखो, H+ की कंसेंट्रेशन आई है 10⁻². दिस इज 10⁻⁵. अब अच्छा एक बात देखो, हमने कल वाली क्लास में अप्रोक्सीमेशन लगाए थे ना कि α1 इज लेस देन 1 एंड 3, सॉरी
अल्फा वन इज लेस देन वन, अल्फा टू इज इवन वेरी लेस देन वन. अब खुद देखो अप्रोक्सीमेशन लगाने के बाद अल्फा टू की वैल्यू इतनी आ रही है, क्या ये नंबर 0.1 से छोटा है? तो डेफिनेटली ये तो 1 से इग्नोरेबल ही है. अब अगर आप अल्फा 3 की वैल्यू देखोगे 10^-8, ये तो और छोटी वैल्यू है. तो डेफिनेटली अगर आप 0.1 फिगर को 1 के रिस्पेक्ट में निग्लेक्ट कर रहे हो तो 10^-5 और 10^-8 को तो गारंटेड ही निग्लेक्ट करोगे. अब आप बताओ फॉस्फेट की कंसेंट्रेशन क्या आएगी? सी अल्फा 1 इज कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस, तो ये एच प्लस की कंसेंट्रेशन है, इंटू अल्फा 2 अल्फा 3, 10^-5 इंटू 10^-8, 10^-13, और सी अल्फा 1 की वैल्यू 10^-2, 10^-15 मोलर फॉस्फेट की कंसेंट्रेशन. HPO4 2-1, दिस इज इग्नोरेबल. अल्फा 3 की वैल्यू 1 के रिस्पेक्ट में बहुत कम है. अब C अल्फा 1 तो H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन है, इनटू अल्फा 2 कर दो ये वाला, चेक करके बताओ ये किसके बराबर आएगा. दिस शुड बी Ka2. डू यू अग्री? अल्फा 2 की वैल्यू Ka2 बाय H प्लस है ना, और ये कंसेंट्रेशन H प्लस की है, तो ये तो Ka2 ही बन गया. और फर्स्ट कंजुगेट बेस की कंसेंट्रेशन हमेशा H प्लस की कंसेंट्रेशन के बराबर होगी, तो C अल्फा 1 विल बी ऑलवेज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन विच इज 10^-2 मोलर. अब जब आपने क्वेश्चन में इक्वेशंस लिखे थे H3PO4 वाटर में आयनाइज करके H प्लस और H2PO4 माइनस बनाएगा, H2PO4 माइनस HPO4 2 माइनस बनाए, HPO4 2 माइनस H प्लस और फॉस्फेट बनाएगा. आप ये बताओ H3PO4 वीक एसिड है, H2PO4 माइनस इसके कंपैरिजन में और वीक एसिड है या लेस वीक एसिड है? आपको याद है कल आपने किया था एसिड की स्ट्रेंथ का कंपैरिजन हम किसके बेसिस पे करते थे? कल एक सवाल किया था ना शीट का अल्फा की वैल्यू से, तो इसका अल्फा कितना है, इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी है 0.1, इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी थी H2PO4 माइनस की 10^-5, इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 10^-8. तो आप ये बताओ इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब इसके कंपैरिजन में ये वीक एसिड हो गया या स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया? और इसे देखो और वीक, बट एक और इक्विलिब्रियम है जो पैरेलली चल रहा है, जो हर समय हर सॉल्यूशन में चलता है, वाटर का इक्विलिब्रियम. बिल्कुल आप ये बता सकते हो अगर ये सब कुछ पानी में चल रहा है तो OH माइनस का सोर्स कौन है इस पूरे सॉल्यूशन में? OH माइनस का सोर्स वाटर. इसलिए अगर कोई आपसे पूछे ना कि OH माइनस की कंसंट्रेशन बताओ, तो आप जब भी कभी आपने पानी में एसिड मिलाया सिर्फ एसिड, तो OH माइनस का सोर्स अकेला H2 है. और आप जानते हो कि H प्लस की कंसेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कंसेंट्रेशन इक्वल टू KW. अब यहां पे H प्लस की कंसेंट्रेशन, मुझे एक बात बताओ H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी आई थी 10^-2? रियलिटी में पता क्या है, ये देखो इससे ये दोनों 1:1 रेशो में बनते हैं ना, इससे. अब HPO4 2 माइनस की कंसंट्रेशन आपने लिखी 10^-7, तो रियलिटी में इससे H प्लस 10^-7 मोलर आ रहा है.
फॉस्फेट की कंसेंट्रेशन आपने लिखी थी 10^-15 मोलर, तो इससे आने वाला H प्लस भी 10^-15 मोलर है क्योंकि ये 1:1 रेशो में, इससे आने वाला H प्लस 10^-2 मोलर है, ये भी 10^-2 मोलर है, और क्योंकि कॉमन आयन की कंसेंट्रेशन तो एडिशन हो जाती है, टोटल कंसेंट्रेशन H प्लस की 10^-2 प्लस 10^-7 प्लस 10^-15, बेसिकली तो हमें इक्विलिब्रियम ऐसे काउंट करते हैं। तो जब मैंने आपके सामने कल अल्फा टू अल्फा थ्री को निग्लेक्ट कर दिया था ना वन के सामने, तो मैंने आपको ये मैसेज देना चाहा है कि हम इस नंबर को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि ये नंबर 10^-2 के सामने ऐड भी कर दोगे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो सेकेंड एसिड से आने वाला H प्लस और थर्ड एसिड से आने वाला H प्लस, आई शुड से सेकेंड कंजुगेट बेस से आने वाला H प्लस, सॉरी फर्स्ट कंजुगेट बेस से आने वाला H प्लस और सेकेंड कंजुगेट बेस से आने वाला H प्लस इतने छोटे हैं कि मेन H प्लस की कंसेंट्रेशन तो फर्स्ट एसिड से आ रही है। इक्विलिब्रियम में हमने इसको जरूर काउंट किया ऐसे 10^-7 प्लस 10^-15 10^-2 प्लस 10^-15 10^-7 प्लस 10^-15 क्योंकि एक ही समय पे ऑल इक्विलिब्रियम आर साइमल्टेनियसली एग्जिस्टिंग, तो कॉमन आयन की कंसंट्रेशन एक ही समय पे अलग अलग नहीं हो सकती, वो अकमुलेटेड कंसंट्रेशन होगी। पर 10^-2 के सामने ये दोनों नंबर इग्नोरेबल है, इसलिए H प्लस की कंसंट्रेशन हम सिर्फ फर्स्ट इक्विलिब्रियम से काउंट करेंगे बस। अब अगर कोई कह दे कि OH माइनस की कंसंट्रेशन निकालो, तो यहां से अब देखो OH माइनस की कंसंट्रेशन 10^-12 आएगी। ये OH माइनस को किसने जन्म दिया, हु गेव बर्थ टू दिस OH माइनस कंसंट्रेशन। पर वाटर से अगर OH माइनस 10^-12 आ रहा है, तो वाटर से आने वाला H प्लस कितना है, जो वाटर से आएगा वो भी 10^-12 है। और क्योंकि मैंने आपको हमेशा ऐसे बोला है, अगर H प्लस की कंसंट्रेशन 10^-6 से बड़ी है, तो वाटर से आने वाला H प्लस इग्नोर कर दो। तो अगर मैंने आपसे पूछा होता ना, माना कि ये नंबर इग्नोरेबल है, माना कि ये नंबर इग्नोरेबल है, फिर भी मुझे बताओ कि ये वाटर से आने वाला H प्लस कितना है, तो किसी एसिडिक सॉल्यूशन में वाटर से आने वाला H प्लस कभी भी निकालना हो, पहले OH माइनस निकालो एसिडिक सॉल्यूशन में। जो OH माइनस का सोर्स है वो सिर्फ वाटर है, तो 10^-12 मोलर एक्चुअली में H प्लस की कंसंट्रेशन वाटर से आ रही है, जो कि 10^-2 के सामने इग्नोरेबल है। इसी तरीके से कभी किसी बेस में, बेस के सॉल्यूशन में आपको बोले कि H प्लस की कंसंट्रेशन निकालो, तो बेस के सॉल्यूशन में H प्लस का सोर्स कौन होगा, H2O, तो वाटर से आने वाला OH माइनस कितना होगा, जो वाटर से आ रहा होगा। एग्जैक्टली यस, किसी एसिडिक सॉल्यूशन में अगर आपने OH माइनस की कंसंट्रेशन वाटर से काउंट कर ली, तो वाटर से आने वाला H प्लस उतना ही है, भले वो नंबर इग्नोरेबल है। और किसी बेसिक सॉल्यूशन में H प्लस की कंसंट्रेशन अगर आपने निकाल ली, तो वो एक्चुअली वाटर से आ रही है, तो वाटर से आने वाले OH माइनस की कंसंट्रेशन उतनी है जितनी वाटर से आने वाले H प्लस की है। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? तो अब आपको इस टाइप का क्वेश्चन करना आ जाएगा। एक क्वेश्चन अपने आप करके देखो, अभी मैं आपको देता हूं, इट विल ब्रिंग द कॉन्फिडेंस इन यू। हाँ हाँ हाँ, पूछो। ठीक है, यहां भी इक्विलिब्रियम पे, हाँ ये इक्विलिब्रियम पे 10^-2 ही काउंट करूंगा, बिल्कुल यही है। इसके 1:1 होनी चाहिए ना, इनका आपस का रिलेशन 1:1, लेकिन ये भी 10^-7 काउंट होगा। देखो ये चीज तो आपको पता है ना,
ये नंबर था सी अल्फा वन इंटू वन माइनस अल्फा टू, ये नंबर था सी अल्फा वन इंटू वन माइनस अल्फा टू। हमने ये इग्नोर किए हुए है ना, हमने इसकी कंसेंट्रेशन काउंट की थी सी अल्फा वन अल्फा टू वन माइनस अल्फा थ्री, लेकिन ये निग्लेक्ट किया हुआ है, तो इसको तो सी अल्फा वन अल्फा टू ही रखा हुआ है। इज दैट क्लियर? पर इस सवाल से ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे इस चीज की चिंता कि आपको क्या मेरी ट्रिक याद है जो कल मैंने इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले दी थी। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, क्या पता करोगे ऐसे सवाल में? पॉलीप्रोटिक एसिड का अल्फा वन, फिर स्टेप टू एच प्लस की कंसेंट्रेशन, और किसी वीक एसिड के पहले कंजुगेट बेस की कंसेंट्रेशन, हमेशा एग्जैक्टली। सपोज मैंने आपको क्वेश्चन दिया 0.1 मोलर H2S है, जिसका Ka1 इज 10 रेज़ पावर माइनस 7, Ka2 इज 10 रेज़ पावर माइनस 14। अब मेरे को बताओ H प्लस की कंसेंट्रेशन, HS माइनस की कंसेंट्रेशन, S2 माइनस की कंसेंट्रेशन, अल्फा 1 अल्फा 2, कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, एंड व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस कमिंग फ्रॉम वॉटर, व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वॉटर इन दिस केस। ये क्वेश्चन भले ही आपको लेंथी लगे क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, पर है बहुत इंटरेस्टिंग। कुछ आया आंसर पहले वाले सवाल का?
ओके तो फिर OH माइनस की कंसेंट्रेशन मिल गई सीधी, और OH माइनस 10^-10 क्योंकि इसका प्रोडक्ट 10^-14 ही होगा, तो वाटर से आने वाला H प्लस कितना होगा जब OH माइनस 10 H2 माइनस का एंड व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर, आपने किया हुआ है बस आपको क्विक हिट नहीं हो रहा होगा शायद। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर 10^-, ओके आप देखते हैं। अब एक बार मेरे साथ करो, H2S के लिए सबसे पहले इक्वेशन लिखी आयनाइज करके, H प्लस प्लस क्या बनेगा HS माइनस, पहले एक बार H प्लस लूज करेगा, दोनों नहीं कराने एक साथ क्योंकि ये वीक एसिड का क्वेश्चन है, और HS माइनस वाटर में H प्लस लूज करेगा तो क्या बनेगा S2 माइनस। अब इसकी कंसेंट्रेशन क्या आती है 0.1, तो इक्विलिब्रियम पे बताओ 0.1 में से X डिसोसिएट हुई तो ये क्या बनेगा, कितना कितना X। अब ये जो X बना ये फिर से डिसोसिएट कर गया Y इसे बनाने के लिए, तो इसकी कंसेंट्रेशन हो गई वाई मोलर। आगे बताओ क्या करें, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन बन गया, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई अब एक्स अपॉन 0.1 क्या बन जाएगा अल्फा 1, और y अपॉन x क्या बन जाएगा अल्फा 2, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेकेंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन y इज x अल्फा 2 एंड x इज 0.1 अल्फा 1, तो ये y की वैल्यू क्या बन गई 0.1 अल्फा 2, पुट कर दो तो क्या बन जाएगा 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फा 1, 0.1 अल्फा 1 कॉमन 1 प्लस अल्फा 2, 0.1 अल्फा 1 इंटू 1 माइनस अल्फा 2, ये 0.1 अल्फा 1 इंटू 1 प्लस अल्फा 2, 0.1 अल्फा 1 अल्फा 2 बनेगा ऐसा। अब ये बताओ ये दोनों ने एक दूसरे पे कॉमन आयन इफेक्ट लगाया, कॉमन आयन इफेक्ट लगने से क्या होगा कि H प्लस की कंसेंट्रेशन इक्विलिब्रियम मिक्सचर में, H प्लस की कंसेंट्रेशन इक्विलिब्रियम मिक्सचर में, व्हाट वाज कॉमन आयन इफेक्ट, एच प्लस की कंसेंट्रेशन बढ़ गई, क्यों, क्योंकि एच प्लस के सोर्स एक से ज्यादा हो गए। अगर अच्छा ये ना होता, अगर ये वाली रिएक्शन ना होती तो एच प्लस की कंसेंट्रेशन एक्स ही तो रहती बस, इसके आने से एक्स प्लस वाई हो गया ना, इसके आने से
तो एच प्लस की कंसेंट्रेशन अगर बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा ना, तो बैकवर्ड जाने का मतलब दोनों के लिए बैकवर्ड जा रहा है क्योंकि दोनों के लिए एच प्लस की कंसेंट्रेशन बढ़ गई। तो इक्विलिब्रियम के लिए जब बैकवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है तो फाइनली नया इक्विलिब्रियम आने पर ये कंसेंट्रेशन तो घट गई है जितनी भी थी, मतलब अगर एक दूसरे की प्रेजेंस ये ना होती तो हम ये कहते हैं कि भाई जो H प्लस की कंसेंट्रेशन है क्योंकि ओवरऑल सॉल्यूशन में बढ़ गई तो इक्विलिब्रियम दोनों के लिए बैकवर्ड गया, इसलिए दोनों के लिए बैकवर्ड शिफ्टिंग एक दूसरे पर एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा रही है, यानी कि दोनों की प्रेजेंस एक दूसरे को वीक बना रही है। पर उसका असर, वीक होने का असर किस इलेक्ट्रोलाइट पे ज्यादा आता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे या वीक इलेक्ट्रोलाइट पे, और इन दोनों में से कौन ज्यादा वीक है, हु इज वीक एसिड दोनों में से, यहीं से देख लो, यहां से देख लो कि ए वैल्यू किसकी कम है, इसकी, तो ये ज्यादा वीक हो गया एज कंपेयर टू इसके। तो अब आप ये बताओ, हम अप्रोक्सीमेशन जब लगाएंगे कि अल्फा वन इज लेस देन वन तो अल्फा टू तो और छोटा है, तो क्या क्या इग्नोर कर दो, ये अल्फा वन इग्नोर, अल्फा टू वन के सामने इग्नोर, तो यहां से एच प्लस की कंसेंट्रेशन क्या बन गई, 0.1 अल्फा वन, एच एस माइनस की 0.1 अल्फा वन, तो ये कंसेंट्रेशन 0.1 अल्फा वन, ये भी 0.1 अल्फा वन, एस टू माइनस की कंसेंट्रेशन 0.1 अल्फा वन अल्फा टू। तो अब के ए वन का एक्सप्रेशन बताओ क्या आएगा, एच प्लस की कंसेंट्रेशन इंटू एच एस माइनस की कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय एच टू एस की कंसेंट्रेशन। तो यहां से के ए वन आपको मालूम है, तो अल्फा वन 10^-7 बाय 10^-1 का रूट बन गया 10^-3। तो एच प्लस की कंसेंट्रेशन बिल्कुल 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 वो आएगा ही, एच प्लस की कंसेंट्रेशन है सी अल्फा वन 0.1 इंटू अल्फा वन 10^-4। एच एस माइनस की कंसेंट्रेशन 10^-4 क्योंकि इन दोनों की कंसेंट्रेशन सेम है 0.1 अल्फा वन 0.1 अल्फा वन 0.1 अल्फा वन। अब एस टू माइनस की कंसेंट्रेशन अगर चाहिए तो पहले अल्फा टू निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए के ए टू का इक्वेशन लगाओ, के ए टू इज कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस इंटू एस टू माइनस का कंसेंट्रेशन अपॉन एच एस माइनस का कंसेंट्रेशन, दिस इंटू दिस अपॉन दिस। तो अब एच प्लस की कंसेंट्रेशन तो एच एस माइनस की कंसेंट्रेशन बराबर है, ये भी 0.1 अल्फा वन है, ये भी 0.1 अल्फा वन है, तो एस टू माइनस की कंसेंट्रेशन तो के ए टू के बराबर आ गई, विच इज 10^-14। तो सल्फाइड की कंसेंट्रेशन तो 10^-14 है। अब ये जो नंबर था 0.1 अल्फा वन अल्फा टू था, ये कंसेंट्रेशन एच प्लस की है, तो अल्फा टू की वैल्यू क्या आ गई, 10^-14 अपॉन एच प्लस की कंसेंट्रेशन जो आपने 10^-4 निकाली, तो अल्फा टू 10^-10 आ गया। अब आपको पता है वाटर के इक्विलिब्रियम से H3O प्लस की ओवरऑल कंसेंट्रेशन इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इस KW, ये नंबर आपने निकाल लिया, तो यहां से OH माइनस की कंसेंट्रेशन 10^-10 मोलर आ गई। अब वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना, जैसे मैंने H2S का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाला वैसे वाटर का भी निकालूंगा, वाटर भी तो वीक एसिड है, तो मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा, वाटर आयनाइजेस टू फॉर्म H+ एंड OH-,
वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, तो इसकी कितनी कंसेंट्रेशन ले लो, 55.5 मोलर। एट इक्विलिब्रियम 55.5 माइनस एक्स, ये एक्स, वाटर से कितना OH माइनस आ रहा है, वाटर से 10 रेस पर माइनस 10, वाटर से कितना H प्लस आ रहा है 10 रेस पर माइनस 10, तो वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहां से मिलेगा आपको। क्या लिखूं वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, x बाय 55.5। व्हाट इज x, वाटर से आने वाला OH माइनस और वाटर से आने वाला H प्लस 10 रेस पर माइनस 10, तो वाटर की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी आएगी, 10 रेस पर माइनस 10 विच इज x डिवाइड बाय c, वाटर की कंसेंट्रेशन 1000 बाय 18। सो दिस इज 18 इंटू 10 रेस पर माइनस कितनी 13, दिस इज वाटर की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आपको ये वैल्यू याद हो अपने नोट्स में से देख के चेक करके बता सकते हो, प्योर वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना था? नहीं, प्योर वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, वन पॉइंट एट इंटू टेन रेस माइनस 9, और अब कितना आ रहा है, तो वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घट गया या बढ़ गया? क्यों? क्योंकि पानी में आपने क्या मिला दिया था, H2S, H2S H प्लस का सोर्स था, तो H2S से आने वाला H प्लस वाटर के इक्विलिब्रियम में H प्लस की कंसेंट्रेशन बढ़ा रहा है, क्योंकि वाटर अगर अकेला होता, मान लो वाटर प्योर होता, मुझे एक बात बताओ वाटर प्योर होता तो H प्लस कितना होता वाटर से आने वाला, 10 रेस पर माइनस 7, है ना, जबकि जब हमने पानी में H2S मिला दी तो H प्लस की कंसेंट्रेशन देखो क्या कर दिया आपने, बढ़ा दी, H प्लस की कंसेंट्रेशन बढ़ गई ना, तो वाटर का इक्विलिब्रियम जिसमें H प्लस की कंसेंट्रेशन बढ़ गई, ये H प्लस की कंसेंट्रेशन बढ़ गई जो कि 10 रेस पर माइनस 7 होनी चाहिए थी, यह होगी 10 रेस पर माइनस 4, ये 10 रेस, ये जो X है ना ये वाटर से आने वाला H प्लस है, पर जब आप सारा इक्विलिब्रियम, जब आप चारों इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली देख रहे हो तो ये काउंट कितना करना पड़ेगा, 10 रेस पर माइनस 4 प्लस, सॉरी 10 रेस पर माइनस 4 प्लस जो यहां से आ रहा है H प्लस। मैं समझाता हूं, ये देखो, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं अभी ये फील हो रहा है कि आपको कॉमन आयन इफेक्ट फील नहीं हुआ, आप एक चीज देखना, अगर वाटर अकेला होता प्योर होता तो आप ये करते उस वक्त 55.5 माइनस एक्स 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 और ये नंबर लेते 10 रेस पर माइनस 7, वाटर से आने वाले H प्लस की कंसंट्रेशन इतनी, ये तब होता अगर वाटर पानी में अकेला होता, पर इस वक्त आपने H2S पानी में मिला दी और H2S ने जब अपना इक्विलिब्रियम खड़ा कर दिया तो H2S की कंसेंट्रेशन थी 0.1 माइनस अल्फा 1, 0.1 अल्फा 1, 0.1 अल्फा 1 इंटू 1 माइनस अल्फा 2, ध्यान से समझना। अब आपने क्या कहा कि H प्लस के सोर्स एक से ज्यादा हैं, तो H प्लस की कंसेंट्रेशन जो काउंट करनी पड़ेगी वो 0.1 अल्फा 1 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 काउंट करनी पड़ेगी। मानते हो यहां तक? अब पानी में H2S है, H2S पानी में ही है, तो H प्लस की कंसेंट्रेशन वाटर के इक्विलिब्रियम पर भी अब ये नंबर नहीं काउंट करना पड़ा, ये काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनली कंसेंट्रेशन तो H प्लस की ज्यादा है। मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखो,
अब मैं बोलूंगा H प्लस की कंसेंट्रेशन इसके इक्विलिब्रियम में, ये भी तो कॉमन स्पीशीज है, तो अब मैं बोलूंगा कि H प्लस की कंसेंट्रेशन 0.1 अल्फा 1, 1 प्लस अल्फा 2 प्लस जो वाटर से आ रहा है ना H प्लस, लेट से Y, और ये Y, क्योंकि अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हुआ कुछ Y, तो वाटर से आने वाला ये H प्लस Y है, वाटर से आने वाला OH माइनस Y है, पर क्योंकि कॉमन आयन की कंसेंट्रेशन तो हमें तीनों की ऐड करनी पड़ती है ना, यहां भी तो Y, यहां भी तो Y ऐड करना पड़ेगा, बताओ ये चीज समझ लगी सबको? अब जब आपने ये नंबर वाई वाई ये सब जगह काउंट किए, आपको ये मालूम है कि अल्फा टू तो वन के सामने इग्नोरेबल है, अल्फा टू तो वन के सामने इग्नोरेबल है, तो आपको तो एच प्लस की कंसेंट्रेशन 0.1 अल्फा वन ही होगी, और आपने 0.1 अल्फा 1 की वैल्यू 10 रेज़ टू माइनस 4 काउंट की है। अगर वाटर प्योर होता तो ये वैल्यू 10 रेज़ टू माइनस 7 होती, लेकिन अब वाटर प्योर नहीं है, वाटर से आने वाला OH- है 10 रेज़ टू माइनस 10, ये नंबर 10 रेज़ टू माइनस 10 है, तो वाटर से आने वाला H+ 10 रेज़ टू माइनस 10 है, जो कि H+ की टोटल कंसेंट्रेशन जो सॉल्यूशन में 10 रेज़ टू माइनस 4 के सामने ये इग्नोरेबल है। तो जो वाटर से H प्लस 10 रेज़ टू माइनस 7 आ रहा था ना, अब वो वाटर से 10 रेज़ टू माइनस 10 आ रहा है, क्या ये बात समझ लगी? तो मुझे ये बताओ वाटर से आने वाले H प्लस की कंसेंट्रेशन कितने गुना घट गई? वाटर से H प्लस, ये वाटर से तो नहीं ना आ रहा, ये किससे आ रहा है? H2S से। वाटर से कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी H+ की? वाटर से जो आ रहा है H+ वो तो OH- के बराबर जितना आ रहा है ना, और 10 रेस पर माइनस 10 का फिगर 10 रेस पर माइनस 4 से तो कम है ना, तो वाटर से H+ कितना कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है, वाटर इस मिक्सचर में कितना H+ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है? और अगर यही वाटर अकेला होता प्योर होता तो कितना कंट्रीब्यूट करता? तो वाटर से H प्लस की कंसेंट्रेशन जो है, जो वाटर की कंट्रीब्यूशन है, वो पहले से घट गई है या बढ़ गई है H2S के डालने के बाद? कितने टाइम्स घट गई है? कितने टाइम्स घट गई? 1000 टाइम्स घट गई। वही असर यहां पे उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में दिख रहा है, क्योंकि अगर वाटर प्योर होता तब आप ये लिखते कि वाटर से आने वाला H प्लस 10 रेस पर माइनस 7 होता, ये नंबर 10 रेस पर माइनस 7 होता तब, जो अब की बार 10 रेस पर माइनस 10 है, तो उस केस में आप बोलते 10 रेस पर माइनस 7 ये नंबर होता उस केस में, जब वाटर अकेला होता ये ना होते, और वाटर की कंसेंट्रेशन 1000/18, और आप बोलते 18 × 10⁻¹⁰, और ये अब हो गया 10⁻³⁰। तो वाटर को अब मैं H2S की प्रेजेंस में वाटर को वीक एसिड गिनूं या स्ट्रॉन्ग एसिड गिनूं? तो H2S की प्रेजेंस वाटर को वीक से वीकर बना रही है, इसी को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट लगना। किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ अगर कॉमन आयन हो गया तो वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला और वीक हो जाएगा। समझ आई ये बात? अब एक बात देखो यहां पे, कैन आई रेज ऑल दिस? क्या आपको कॉमन आयन इफेक्ट टर्म क्लियरली समझ आई है? कोई भी एक बार मुझे समराइज कर दो। क्यों? क्योंकि H+ की कंसेंट्रेशन मेजर एसिड से
ज्यादा हो गई है, ये मोर कॉन्ट्रीब्यूटिंग एसिड है एच प्लस का, तो कॉमन आयन की कंसेंट्रेशन इसके इक्विलिब्रियम में भी हमें 10^-4 काउंट करनी पड़ रही है, और अगर ये कंसेंट्रेशन H+ की बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं, ये देखना ध्यान से, सपोज ये मेरे पास प्योर पानी था, प्योर पानी में H+ की कंसेंट्रेशन थी 10^-7 10^-7, जैसे मैंने पानी में बाहर से 0.1 मोलर H2S डाला ना, H2S 0.1 मोलर, तो H2S ने अंदर जाके पानी में इसके इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड शिफ्ट करना शुरू कर दिया। अब जब इस ये बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है, कभी तो ये अपना इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करेगा ना, जैसे मैंने पानी में H2S की कुछ बूंदें डाली, 0.1 मोलर H2S डाला, तो हुआ क्या, H2S ने अंदर गई सॉल्यूशन में, H2S आयनाइज होने लग गई, H2S इक्विलिब्रियम बनाने लग गई, तो H+ की कंसेंट्रेशन पानी में बढ़नी शुरू हो गई। अब वॉटर में जैसे H+ की कंसेंट्रेशन बाहर से आने वाले एसिड से बड़ी, वाटर का इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होना शुरू हो गया। एक समय ऐसा आया जिस समय यह भी बैकवर्ड जाना बंद कर गया, यह भी फॉरवर्ड आना बंद कर गया, यह भी फॉरवर्ड आना बंद कर गया, मतलब जिस मोमेंट पे तीन इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुए, ये वाला और ये वाला, तब तक एच प्लस की कंसेंट्रेशन जो वाटर से आ रही थी ना, वो 10^-7 से घट के 10^-10 पे जाके इक्विलिब्रियम आया। यानी कि जब तक H+ की कंसेंट्रेशन 10^-4 नहीं हो जाती, ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जा रहे थे, जैसे 10^-4 हुई ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुए, पर उस समय जब 10^-4 की मोलर कंसेंट्रेशन H+ की सॉल्यूशन में बनी, ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जा चुका था। कितना, जब तक ये नंबर 10^-7 से, ये नंबर 10^-7 से खुद को घटा के 10^-10 तक ना कर गया, वो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का मोमेंट था। यू गॉट, पक्का? ओके, ओहो मैंने ये क्वेश्चन ही दिस कर दिया। चलो यहीं से बताऊं, मुझे ए वीक एसिड हैज के ए दिस, इफ 0.1 मोल एच इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर, What is the percentage it has ionized? Ka given है और moles 0.1 मोल 1 लीटर में डाले, How much is the percentage ionization? पहले तो ये डिसाइड करो कि ये मोनोप्रोटिक है या पॉलीप्रोटिक है, एच ए, तो ठीक है, अपनी ट्रिक जिंदाबाद। हाउ मच ऑफ एच ए, हाउ मच परसेंट ऑफ एच ए हैज बीन आयनाइज्ड? ओके, चेक करते हैं। तो एच ए आयनाइज हुआ, इक्वेशन लिखी, 0.1 मोलर, क्योंकि 0.1 मोल इन 1 लीटर इज मोलैरिटी 0.1 मोलर, एट इक्विलिब्रियम 0.1 माइनस एक्स, x by 0.1 is alpha, तो ये बन गया 0.1 into 1 minus alpha, 0.1 alpha, 0.1 alpha, तो Ka का expression क्या होगा, 0.1 alpha into 0.1 alpha, this into this upon इसकी concentration, तो ये बन गया 0.1 alpha square upon 1 minus alpha is Ka। तो अगर मैं अपने ट्रिक के हिसाब से चलता तो मैं अल्फा की वैल्यू के ए बाय सी का स्क्वायर रूट निकालता डायरेक्ट क्वेश्चन में। के ए 10^-5 है, कंसेंट्रेशन 10^-1 है, तो ये 10^-2 आता, विच इज लेस देन 0.1, तो
तो इसका मतलब यही मेरा फाइनल आंसर है। और अगर किसी बच्चे ने यहां से करना है, आपकी चॉइस है, अल्फा को इग्नोर कर दो एक बार, तो अल्फा की वैल्यू के ए बाय 0.1 का स्क्वायर रूट कर दो, वही आंसर आ गया जो डायरेक्ट ट्रिक से भी आएगा। तो अब आप परसेंटेज आयनाइजेशन निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करके बता दोगे तो आंसर विल बी 1%। इज दैट क्लियर? बताओ भाई। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन दूंगा, उसको आपने ट्रिक से निकालना है। What is concentration of NH2NH3+ NH3+ in 0.05 molar hydrazine? KB1 is 3.6 into 10 raised power minus 6, KB2 6.4 into 10 raised power minus 12. और आपने मुझे इसका आंसर विद इन 1 मिनट देना है और अपनी ट्रिक लगा के। अपने पीछे वॉइस कंट्रोल कर लो, जिसके भी घर से आवाजें आ रही हैं। क्या आएगा?
अब तक आंसर आ जाना चाहिए था। ट्रिक नहीं लगी या लगानी नहीं आई? हाँ रूट में बता दो पहली बात तो रूट में। अच्छा इसका इसका क्या आ रहा आंसर इसका? नहीं गलत है, इसका आंसर है ये इसकी कंसंट्रेशन है। यार मुझे एक बात बताओ, चलो अभी क्वेश्चन खोलना एक बार। मैंने कल H3PO4 वाला क्वेश्चन कराया था जो आज हमने क्लास की बिगनिंग में, तो मुझे एक बात बताओ सेकंड कंजुगेट बेस जो बना था उसकी कंसंट्रेशन किसके बराबर आई थी? सेकंड कंजुगेट बेस K82 के बराबर। तो ये अगर बेस है तभी तो इसकी दो वैल्यू गिवन है ना, KB1 KB2। तो अब ये इसका कौन होगा? ये इसका कौन है? ये इसका कौन है? फर्स्ट कंजुगेट एसिड, ये कौन है इसका? और अब उस H3PO4 वाली प्रॉब्लम से रिलेट करो, सेकंड कंजुगेट बेस की कंसंट्रेशन आई, सेकंड कंजुगेट बेस की कंसंट्रेशन आई थी। अच्छा उसके बाद तुमने H2S की नमेरिकल भी किया था अभी। मुझे ये बताओ H2S का सेकंड कंजुगेट बेस कौन था और उसकी वैल्यू देखो क्या आई थी कंसंट्रेशन। तो आपको वहां से कुछ समझ नहीं आया? बस ये सेकंड कंजुगेट एसिड है, इसकी कंसंट्रेशन ही KB2 है, तो यू डायरेक्ट विद इन सेकंड आंसर आएगा। हाँ एग्जैक्टली, गलती से ही बंदा सीखेगा। अब मुझे ये बताओ फर्स्ट कंजुगेट बेस की कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं? H+ की कंसंट्रेशन। और मैंने ट्रिक क्या बताई है? सबसे पहले डैश निकालो α1। तो α1 की ट्रिक क्या थी कल वाले ट्रिक्स में? KB/C, पर KB कौन सा लेना है? KB1। तो ये बन गया 3.6 into 10 raise power minus 6 by 0.05। तो ये कितना बन जाएगा रूट, मैं अगर इसे 10 इसे 3.6 ही रखो, 3.6 by 50 का रूट into 10 raise to power minus 2 बन जाएगा। बोलो इसे छोड़ दो, इसे लास्ट में करेंगे सॉल्व। तो अब α1 आ गया, तो अब मैं क्या निकालूं? H+ नहीं, अब तो OH- की कंसंट्रेशन, क्योंकि ये बेस का क्वेश्चन है। डोंट फॉरगेट कि ये बेस है, बेस है, ये कैसे पता लगा? KB's दिए हुए, और दूसरा इसके किसकी पूछी, ये कौन है इसके? तो ये बेस है, तो OH- की कंसंट्रेशन बताओ कैसे निकालूं, क्या ट्रिक थी? C α1, what is C? 0.05 into α1। ये ही मुझे चाहिए था आपसे, ये आंसर चाहिए, क्योंकि जो OH- की कंसंट्रेशन वही फर्स्ट कंजुगेट एसिड की कंसंट्रेशन। समझ आई ये चीज या नहीं? हाँ या ना? पर अब मुझे एक डिटेल वाली चाहिए, वो आगे कैलकुलेशन कर लेना जो भी है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अल्फा टू की वैल्यू मुझे चेक करके बताओ H3PO4 वाले क्वेश्चन में क्या आई थी? H3PO4 वाले क्वेश्चन में α2 की वैल्यू, α2 की वैल्यू आई थी Ka2 बाय कंसंट्रेशन ऑफ H+, और α3 की Ka3 by H+। तो इस केस में अगर मैं पूछूं α2 की वैल्यू क्या आएगी? हाँ α3 की क्या आएगी वैल्यू? नॉट डिफाइंड, इस क्वेश्चन में नॉट डिफाइंड।
अब मुझे एक बार यहां से डिटेल में करके देखना है, मैं से लिख रहा हूं एन टू एच फोर प्लस वॉटर में इसे डिजोल्व किया, ये क्या करेगा वॉटर में, ये वॉटर से क्या करेगा, ये कौन है एसिड या बेस, क्या गेन करेगा बताओ, व्हाट इट विल डू फ्रॉम वॉटर, एच प्लस गेन करेगा तो क्या बनेगा एन टू एच फाइव प्लस, प्लस क्या लिखूं, वाटर से एच प्लस तो आ गया इसके पास ओ एच माइनस, अब यही तो ये है एन टू एच फाइव प्लस, अब अगली बार ये भी क्या करेगा एन टू एच फाइव प्लस वाटर से, बताओ व्हाट इट विल डू फ्रॉम वाटर, क्या बनेगा बताओ, चलो फॉर्मूला एन टू टू प्लस कौन किस पे कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा है या इसकी ज्यादा है, यहां से देख के बताओ ये किस पे कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा, क्योंकि OH- की कंसेंट्रेशन दोनों की इक्विलिब्रियम में बढ़ गई ना, बढ़ जाएगी, क्योंकि OH- के सोर्स अगर ये ना होता तो OH- का सोर्स कौन होता, सिर्फ N2H4, अब ये भी आ गया तो OH- के सोर्स बढ़ गए, तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में OH माइनस की कंसेंट्रेशन बढ़ गई घट गई, तो किसका इक्विलिब्रियम ज्यादा बैकवर्ड अफेक्ट होगा, इसलिए इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसकी आगे जाने की टेंडेंसी इसकी प्रेजेंस में घट जाएगी, तो फिर से मुझे यह बताओ अगर इसकी मोलैरिटी 0.05 दी है तो एट इक्विलिब्रियम 0.05 माइनस एक्स, अब मुझे ये एक्स वाई की टर्म में बोल के बताओ क्या आएगा, इसकी कंसेंट्रेशन क्या आएगी, एक्स एक्स, अब ये डिसोसिएट कर रहा है फिर से, तो एक्स में से वाई डिसोसिएट हुआ, ये कितना बना, ये प्लीज किसी के पीछे अपने घर की आवाजें आ रही हैं उसे बंद करवा दो प्लीज, हाँ एक्स माइनस वाई में अब ये कितना कितना बनेगा, वाई, अब बताओ OH माइनस की कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन में कितनी काउंट करनी पड़ गई, एक्स प्लस वाई, तो एन टू एच फाइव प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी काउंट करनी पड़ गई, एक्स माइनस वाई, नाउ अल्फा वन और अल्फा टू की टर्म में मुझे वैल्यूज बताओ क्या क्या आएंगी, x अपॉन 0.05 इज व्हाट, अल्फा वन एन टू एच फोर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, y अपॉन x का वैल्यू क्या आया अल्फा टू, और x की वैल्यू 0.05 अल्फा वन, तो ये बन गई 0.05 अल्फा वन अल्फा टू, पुट द वैल्यूज क्या बनेगा 0.05 इंटू वन माइनस अल्फा वन, ये बताओ कितनी आएगी वैल्यू, क्या लिखूं, इसकी 0.05 अल्फा वन टाइम्स वन प्लस अल्फा टू, इसकी y की वैल्यू 0.05 अल्फा वन अल्फा टू, और इसकी 0.05 इंटू वन माइनस अल्फा वन टाइम्स वन माइनस अल्फा टू, अब अपनी अप्रोक्सीमेशन लगवाओ, क्या है अप्रोक्सीमेशन, किसके कंपैरिजन में, तो 1 के कंपैरिजन में अल्फा 1 आउट, 1 के कंपैरिजन में अल्फा 2 आउट,
वन के कंपैरिजन में अल्फा टू आउट, वन के कंपैरिजन में अल्फा टू आउट, वन के कंपैरिजन में अल्फा टू आउट। अब मुझे बताओ इस इक्वेशन से मुझे कैसे OH माइनस की कंसंट्रेशन मिलेगी। मैं इस इक्वेशन का क्या लिखूं, KB1, तो KB1 की वैल्यू क्या आएगी, दिस इंटू दिस अपॉन दिस, तो 0.05 अल्फा 1 इंटू 0.05 अल्फा 1 अपॉन 0.05, तो अल्फा 1 की वैल्यू क्या आ गई, KB1 बाय 0.05 का स्क्वायर रूट। और जो हमारी ट्रिक थी, हमारी ट्रिक से हमने क्या याद रखा था, अल्फा 1 कैसे निकालना है, आपने क्या याद रखा था अल्फा 1 को, KA1 बाय C का स्क्वायर रूट। तो यहां पर क्या बन गया, KB1 अपॉन कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट। अग्रीड? आपने H+ की कंसंट्रेशन को क्या याद किया था, आपकी ट्रिक के हिसाब से H+ की कंसंट्रेशन C अल्फा 1 या, है ना, तो यहां पे OH- की कंसंट्रेशन देखो क्या बनी, कंसंट्रेशन टाइम्स अल्फा 1 अच्छा पहला कंजुगेट एसिड कौन है, तो उसकी कंसंट्रेशन हमारे हिसाब से, हमारी ट्रिक के हिसाब से पहले कंजुगेट बेस की कंसंट्रेशन किसके बराबर होनी चाहिए, तो फिर पहले कंजुगेट एसिड की कंसंट्रेशन भी और ये बराबर है, अब KB2 बताओ कैसे लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ दिस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस OH माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ पहला कंजुगेट एसिड, तो ये कैंसल, ये है कौन, ये किसकी कंसंट्रेशन है, किसके बराबर, तो सीधा आंसर समझ आया। अच्छा H+ की कंसंट्रेशन कितनी आएगी और कहां से आएगी, कौन सा इक्विलिब्रियम है जो हमेशा पैरेलल चल रहा है, तो मुझे बताओ वाटर से आने वाला H+ कैसे निकालोगे, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज KW, तो OH माइनस की कंसंट्रेशन क्या आपने निकाल ली यहां से, इसे सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, थ्री, दोबारा थ्री रूट टू, रूट टू की वैल्यू 1.4, तो 4.2 इंटू 10 रेस पर माइनस 4, तो वाटर से आने वाला H+ 10 रेस पर माइनस 14 बाय 4.2 इंटू 10 रेस पर माइनस 4 है, यानी कि 1 बाय 4.2 इंटू 10 रेस पर माइनस 10, में से लगभग लिख रहा हूं 0.24 इंटू 10 रेस पर माइनस 10, विच इज 2.4 इंटू 10 रेस पर माइनस 11। अब मुझे ये बताओ अगर वाटर प्योर होता तो वाटर से कितना H+ आता, अब कितना आ रहा है वाटर से H+, तो वाटर की एसिडिक स्ट्रेंथ पहले के कंपैरिजन में घट गई बढ़ गई, तो अगर किसी ने आपसे ये पूछा व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर, वाटर से आने वाला H+ बाय 1000 बाय 18 है, या फिर वाटर से आने वाला OH- बाय 1000 बाय 18 है,
वाटर प्योर होता तो ये नंबर कितना होता, और अब कितना हो रहा है, तो 2.4 इंटू 10 रे सॉ माइनस 11 बाई 1000 बाई 18। अच्छा वाटर से ओएच माइनस कितना आ रहा है, वाटर से ओएच माइनस कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, लेकिन ओवरऑल सॉल्यूशन में ओएच माइनस की कंसंट्रेशन इतनी है, इसमें वाटर की काउंट करके है, क्योंकि इसमें वाटर की इतनी काउंट करोगे इसमें, इस नंबर में जब ये ऐड करोगे क्या आंसर आएगा, इस नंबर में जब ये ऐड करोगे यही आएगा ना, बट आप ये नहीं कह सकते कि आपने इसे काउंट नहीं किया, आप बोलोगे ये नंबर इग्नोरेबल है, इससे कुछ ऐड कर भी लोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वाटर से आने वाला OH- इतना है, तो वाटर की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में वाटर से आने वाला OH- ये नहीं, समझ में आई मेरी ये बात। तो अब मैं एक और क्वेश्चन दूंगा, आपने मुझे आंसर बताना है, और मैं नहीं चाहता कि आप मुझे अब 5 सेकंड से ज्यादा आंसर लगाओ, चलो आप 20 सेकंड ले लेना, बच्चों टफ तो नहीं लग रहा, लग रहा है तो सच सच बताना, फॉर एच टू सी ओ थ्री के ए वन इज 4.2 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 9 एंड के ए टू इज 4.7 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 11 एंड इट्स कंसेंट्रेशन इज 0.1 मोलर, वॉट इज अल्फा वन अल्फा टू के ए वन ऑफ एच सॉरी कंसेंट्रेशन ऑफ HCO3 माइनस कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस कमिंग फ्रॉम वॉटर कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस कमिंग फ्रॉम वॉटर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वॉटर। ऑल्सो टेल मी कंसेंट्रेशन ऑफ H2CO3 ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन, तो जो चीज आप तुरंत देख के मुझे बताओगे वो क्या होगी, वेरी गुड शाबाश, अब मेरी वाली पहले ट्रिक से बताओ, अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ मेरी वाली ट्रिक जो मैंने सिखाई है कल वो कब वैलिड है, किस केस में, जब हम कौन से टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं, पॉलीप्रोटिक वीक एसिड्स और मोनोप्रोटिक वीक एसिड में कोई ट्रिक है, सेम जैसे करते हैं, मतलब जो हम कल अल्फा वन के साथ कर रहे हैं कल से वही हम मोनोप्रोटिक में करेंगे, किसके साथ, अल्फा के साथ बस, लेकिन यदि अल्फा 0.1 या 0.1 से बड़ा आ जाए तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करके अल्फा निकालना फिर। चलो बताओ इसमें आंसर, सबसे पहले आप क्या निकालो, एक तो चलो आपने ये बता दिया मुझे कार्बोनेट की कंसेंट्रेशन ये है, आगे बताओ सबसे पहला काम आपका क्या निकालना होगा, ठीक है तो अल्फा वन मिलेगा कैसे, के ए वन बाय सी का रूट विच इज 4.2 इंटू 10 रेस पर माइनस 9 अपॉन 10 रेस पर माइनस 1 का रूट, यानी कि रूट 4.2 इंटू 10 रेस पर माइनस 4।
अब रूट 4.2 की चिंता मत किया करो, मैं तो देखता हूं रूट 4 का वैल्यू, मैं लिखता 2 × 10⁻⁴। अब आगे बताओ क्या क्या निकल सकता है। H प्लस की कंसंट्रेशन निकालो क्या आएगी सॉल्यूशन में, ओवरऑल नेट H प्लस सी अल्फा 1 2 × 10⁻⁵। अब अल्फा 2 बताओ कैसे मिलेगा। अच्छा HCO3 माइनस की कंसंट्रेशन किसके बराबर होगी, क्यों, क्योंकि ये पहला बेस है और पहले कंजुगेट बेस की कंसंट्रेशन H प्लस के बराबर रहेगी। अब बताओ अल्फा 2 कैसे मिलेगा, अल्फा 2 हमने क्या लिखा था Ka2/H+, तो 4.7 × 10⁻¹/2 × 10⁻⁵। ठीक है, तो हमें अल्फा 2 मिल गया। अब बताओ H प्लस कमिंग फ्रॉम वॉटर और OH माइनस कमिंग फ्रॉम वॉटर, ये कैसे मिलेगा हमें, अगर H प्लस सॉल्यूशन में ओवरऑल पता कितना, तो नेट H प्लस कंसेंट्रेशन पहले क्या निकालूं, वेरी गुड, और ये वैल्यू नेट कौन सी रखनी है, 2 × 10⁵ × OH- कंसेंट्रेशन कमिंग फ्रॉम वॉटर हमें नहीं मालूम, 10⁻⁴ है, कितनी बन जाएगी ये, 1/2 × 10⁻⁹ या 5 × 10⁻¹⁰। तो अब बताओ ये कितना होगा, व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर नाउ, तो ये कितना बन जाएगा, 9 × 10⁻¹⁰। अच्छा H2CO3 की कंसंट्रेशन कितनी आएगी सॉल्यूशन में, अपना इक्विलिब्रियम आपने ऐसे लिखा था ना, और HCO3- H+ कार्बोनेट, तो मुझे बताओ इक्विलिब्रियम पर ये कंसेंट्रेशन कितनी आती थी एक्स वाई की टर्म में, 0.1 × 1⁻ α, अल्फा 1, तो अल्फा 1 मिल चुका है आपको 2 × 10⁻⁴, तो अल्फा 1 के सामने निगलेक्ट कर दूं तो कितना रह जाएगा H2CO3, 0.1 रह जाएगा। अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बताओ आप कंफर्टेबल हो पॉलीप्रोटिक एसिड्स आ जाए, पॉलीप्रोटिक बेस आ जाए, पर ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट अनइम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको भले इसकी इतनी सारी प्रैक्टिस करवा दी, पर अब आपने ये ध्यान रखना कि आपको मोनोप्रोटिक एसिड मोनोप्रोटिक बेस के सवाल करने आने चाहिए। मुझे आप जल्दी से एक सवाल का आंसर दोगे तुरंत अभी के अभी, विदिन 2 मिनट बोल रहा हूं, चलो मैंने आपके सामने ये लिखा है आप मुझे इसका आंसर दोगे फटाफट, 0.01 मोलर अमोनिया, केबी इज 1.8 × 10⁻⁵, व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ OH-, व्हाट इज इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ NH4+, ये कैसे निकालोगे,
मुझे तो अब आंसर चाहिए आर्यन, ये मत बता क्या क्या कितने क्या क्या करना, बस ये बोल सर ओएच माइनस इतना है, अल्फा इतना है, अमोनियम इतना, फटा चाहे रूट को सॉल्व मत करना, बस इतना दो रूट दिस इनटू दैट, रूट दैट इनटू दिस। अल्फा की वैल्यू ओके, अच्छा पी ओ एच माइनस लॉग रूट 18 इंटू 10 रेस ऑफ माइनस 4, मुझे फटाफट बताओ इसे क्या लिखेंगे, सॉल्व नहीं मैं कह रहा हूं, इसको ए माइनस दिस लॉग दिस ऐसे करके चाह रहा हूं, क्या आप मुझे फटाफट बताओ इसको क्या लिखोगे आप 10 के, वेरी गुड, हाँ हाँ ये चाह रहा हूं लॉग 18, लॉग रूट 18, रूट 18 को क्या लिख दू हाफ लॉग 18, पता लगा हाफ क्यों लिखा, ये लिखना आना चाहिए आपको, आगे वाला काम आप कर लोगे, आपको ये देख के तुरंत लिखने आने चाहिए, पर मैं चेक करने लगा आपने सही भी निकाला, अल्फा इज के बी बाई सी का रूट, KB 1.8 into 10 raised to minus 5 by 10 raised to minus 2, तो ये हो गया 10, तो ये बन गया root 18 into 10 raised to, नीचे कितना आ जाएगा minus 1, ऊपर minus 5, ये minus 4, ये 2 आएगा, OH minus की concentration C alpha 0.01 आ गया साथ में एक और, ये भी सही निकाला, ये भी सही निकाला, ये भी सही निकाला, अगर ये वैल्यू, अगर ये वैल्यू 0.1 से बड़ी आती या बराबर आती तो क्या करते, हाँ बराबर आती तो सेम रहने देते, मान लो बड़ी आती, कौन सी थी क्वाड्रेटिक, KB इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, प्रैक्टिस हो गई अच्छी खासी, अब नेक्स्ट केस पे आ जाओ, नया हेडिंग, अब मैं आपको दूंगा पीएच कैलकुलेशन फॉर मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड, या फिर वीक एसिड सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक बेस, अब मैं इसकी डेरिवेशन ही कराने लगा, अब मैं आपको समझा के कराऊंगा और आपने मुझे ट्रिक बतानी है कि सर अब हम इसको इस ट्रिक से किया करेंगे, मान लो मैंने आपको बोल दिया कि मैंने एक सॉल्यूशन में, मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें एक वीक एसिड है, ये वीक एसिड है, मान लेता हूं कि HA नाम का वीक एसिड है, वीक एसिड अपना इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करके बैठा पानी में, जब भी कभी आपको पता लग गया कि आपके सॉल्यूशन का कोई कंपोनेंट वीक एसिड है उसकी इक्वेशन लिख ली, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि स्ट्रॉन्ग एसिड डाला है, अगर ये वीक एसिड ही डाला होता सिर्फ वीक एसिड, तो आप इसकी कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम C माइनस X, इसे X और इसे X काउंट करते हैं, और आप बोलते हैं
c into 1 minus alpha, c alpha, c alpha. अब जैसे मैंने इस सॉल्यूशन में मेरे पास तीन कंपोनेंट है, H A जिसकी कंसंट्रेशन है C into 1 minus alpha, H plus जिसकी कंसंट्रेशन है C alpha, और A minus इसकी कंसंट्रेशन है C alpha. मान लो मैंने इसमें अब स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाना शुरू कर दिया जिसकी मोलैरिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है, लेट्स से C मोलर कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड की है, स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने मिलाया HB पानी में. जब मैंने बोल दिया कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसकी मोलैरिटी C डैश है तो ये पूरा आयनाइज करेगा. तो अगर ये पूरा खत्म हो गया तो ये C डैश और ये C डैश बना. अब मुझे ये बताओ इसके आने से, इस पानी में जब मैंने ये मिलाया, पानी में मैंने जब ये मिलाया तो इसके आने से इस पर कोई असर आएगा? H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ये C डैश काउंट करनी पड़ेगी साथ में, C डैश प्लस X. पर अब ये देखो ये जो X नंबर था ना ये पहले था जब हमने ये नहीं मिलाया था. C डैश आने से इसका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा तो ये दोनों नंबर X X नंबर जो है वो घटेंगे. पता चला मैंने क्या बोला? X X नंबर घटेंगे. जब ये नहीं था ना, जब ये नहीं मिलाया था तब ये X और X थे. जैसे मैंने HB मिला दिया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इससे H प्लस की कंसेंट्रेशन इसके इक्विलिब्रियम पे काउंट करनी पड़ेगी, कॉमन C डैश प्लस जो H प्लस इससे आए. पर इसका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड भाग रहा है, कभी तो नया इक्विलिब्रियम आएगा. नया इक्विलिब्रियम आने तक मान लेते कि ये नंबर X डैश हो गई थी, यानी कि ये X डैश हो गया था. इसका नया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन X डैश बाय C है न्यू इसकी प्रेजेंस में. लेकिन अगर मैंने ये नहीं मिलाया था तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ओल्ड X बाय C था. तो मुझे बताओ X और X डैश में बड़ा नंबर कौन है? X बड़ा नंबर है, X डैश छोटा है. समझ आया क्यों? एक बार मुझे समझाओ तभी विश्वास होगा. पर ये बताओ क्यों बैकवर्ड जाती है, फॉरवर्ड क्यों नहीं जाती? और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ने से ली चैटलर प्रिंसिपल के हिसाब से रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी. बैकवर्ड गई फिर क्या हुआ? फिर एच ए से आने वाले एच प्लस की कंसंट्रेशन जो एक्स थी वो घटी, एक्स डैश हुई. ये भी एक्स डैश हुई, ये एक्स डैश हुआ नंबर, क्योंकि जितना इवेंचुअली सॉल्यूशन में ये एक्स डैश है ये भी तो फिर उसके के हिसाब से डिसोसिएट होगा. तो जो इसकी नई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो एक्स डैश बाय सी है इन प्रेजेंस ऑफ दिस. पर अगर ये ना होता तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स बाय सी होता और एक्स डैश की वैल्यू एक्स से कम है. तो कॉमन आयन इफेक्ट लगा है स्ट्रॉन्ग एसिड के कारण वीक एसिड के ऊपर. तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि इक्विलिब्रियम पे H प्लस की कंसंट्रेशन बताओ तो अब मैं क्या करूंगा? नेट कंसंट्रेशन H प्लस की सॉल्यूशन में C डैश प्लस X डैश है. तो अब आप खुद बताओ इसमें से कौन सा नंबर इग्नोरेबल है? X डैश, ये इग्नोरेबल है. इसका मतलब क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड में वीक एसिड का मिक्सचर आ जाए तो क्वेश्चन बिल्कुल हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक बन गया, पीएच कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड. पता चला मैंने क्या कहा? जब एच प्लस की कंसेंट्रेशन काउंटी स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाली करनी है तो ये आपके क्वेश्चन वो बन गए 0.2 मोलर HCl, 0.3 मोलर H2SO4. समझ आई ये चीज? समझाओ जरा क्या कहा मैंने, समझाओ जरा. हां करेक्ट. अब एक बात बताओ, अब इसके इक्विलिब्रियम में, इसके इक्विलिब्रियम वीक एसिड के इक्विलिब्रियम में आपने अभी जो एज्यूमिंग की ये नहीं पढ़ा आपने, मतलब ये नहीं है,
जो आपकी ट्रिक्स थी वो क्या थी, मुझे ये बताओ ए माइनस की कंसेंट्रेशन आप क्या लगाते थे, सी अल्फा, उसमें सी अल्फा ये जो सी रखते थे ये तो एसिड की कंसेंट्रेशन थी वीक की, पर अल्फा कैसे निकालते थे, यही करते थे ना। अब की बार देखो क्या फर्क आ रहा है, सिंपल, अगर मैंने वीक एसिड का के ए लिखा ना तो आप कैसे लिखोगे, कंसेंट्रेशन ऑफ एच थ्री ओ प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए माइनस अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ एच ए, पर आपने इसकी जगह पे किसकी वैल्यू डालनी है, एच थ्री ओ प्लस की कंसेंट्रेशन में सी डैश प्लस एक्स डैश, एक्स डैश तो इग्नोर हो गया, आपके बार आपको ये कंसेंट्रेशन वो एच प्लस की डालनी जो स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रही है, पता चला या नहीं, एच प्लस की कंसेंट्रेशन का मेजर सोर्स कौन है, स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि एक्स डैश नंबर इग्नोरेबल है, तो एच प्लस की कंसेंट्रेशन तो अब सी डैश बन गई और ए माइनस की कंसेंट्रेशन तो वही है एक्स डैश अपॉन सी माइनस एक्स डैश, वेयर एक्स डैश आई कैन राइट इट एज सी अल्फा सी इंटू वन माइनस अल्फा, सी से सी कैंसल, ये क्या बन जाएगा अब अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा इज के ए बाय सी डैश, क्या अब ये क्वाड्रेटिक है, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं बन गई, तो अब आपको कोई क्वाड्रेटिक नहीं लगानी पड़ेगी। अब आप सबसे पहले मेरी बात मान के सबसे पहले आप ये अल्फा इग्नोर कर देना, तो अल्फा को लिखना के ए बाय सी डैश, अगर ये आंसर 0.1 से छोटा आया फिर तो मेरा अप्रोक्सीमेशन ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर इसे पूरा सॉल्व करना लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, पता चली मेरी ये बात, अगर ये अल्फा 1 से निगलेक्ट कर दो और यहां से सॉल्व कर दो अल्फा, और अगर ये आंसर 0.1 से छोटा आ गया फिर तो ये अप्रोक्सीमेशन वैलिड है, अगर नहीं आ रहा तो इसे पूरा सॉल्व करो क्योंकि ये तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये क्वाड्रेटिक नहीं बन रही। एक बार अल्फा आपके पास आ गया तो क्या आप बता पाओगे कि ये कितना ए माइनस, अगर अल्फा मिल गया सी पता है तो पहले कंजुगेट बेस की कंसेंट्रेशन क्या बन जाएगी, सी अल्फा, पर वो सी सी किसकी कंसेंट्रेशन है, वीक एसिड की, और ये बताओ जितना इससे ए माइनस जितना एच ए से ए माइनस आ रहा है वीक एसिड से आने वाला एच प्लस भी तो बराबर बराबर होंगे 1:1 रेशो में, ये भी तो सी अल्फा ही था, तो जितना आपके पास पहला कंजुगेट बेस आएगा उतना ही एच प्लस की कंसेंट्रेशन वो होगी जो वीक एसिड से आ रही है जिसको आपने निग्लेक्ट किया हुआ, आपने इसको किसके सामने निग्लेक्ट किया, सी डैश के सामने, सी डैश के सामने इसको निग्लेक्ट किया हुआ, समझ में आई ये चीज या नहीं, अभी नहीं मैं मानता जब तक आप अप्लाई करना नहीं सीखते, मान लो मैंने आपको ऐसे बोल दिया इस सॉल्यूशन इज 0.1 मोलर इन HCl एंड 0.1 मोलर इन एसिडिक एसिड जिसका के ए 2×10⁻¹⁵ है, और मुझे आपने बताना है एच प्लस की कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन में कितनी है, एच प्लस की कंसेंट्रेशन जो एसिटिक एसिड से आ रही है वो कितनी है, एच प्लस की कंसेंट्रेशन सॉरी एसिटेट आयन की कंसेंट्रेशन कितनी है, अल्फा एसिटिक एसिड का कितना है, तो
सबसे पहले आपको क्वेश्चन में इक्वेशन लिखने आने चाहिए। दो इक्वेशन कौन से लिखने चाहिए हमें? एक तो HCl का डिसोसिएशन, एक एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन। तो HCl का डिसोसिएशन अगर कराओगे पानी में तो ये तो पूरा डिसोसिएट करेगा ना, बच्चों समझ आ रहे हैं? पक्का कि डर रहे हो? तो बताओ यहां से जब HCl पूरा पूरा डिसोसिएट करेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो 0.1 मोलर HCl पूरा आयनाइज होके ये 0.1 बना देगा। बोलो। लेकिन एसिटिक एसिड अपना इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर रहा है, तो अब आप चलवाओ पेन कैसे चलेगा? इसकी मोलैरिटी कितनी दी हुई है? 0.1। तो इक्विलिब्रियम आने तक ये 0.1 में से x डिसोसिएट हुआ, बताओ कितना बनेगा? ठीक है, H प्लस के कंसेंट्रेशन काउंट कितनी होगी इक्विलिब्रियम में? कितनी? H प्लस की कंसेंट्रेशन जो x प्लस 0.1। व्हाट इज x अपॉन 0.1? तो लिख दो 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फा, 0.1 अल्फा, 0.1 अल्फा प्लस 0.1। तो अब बताओ किसका एक्सप्रेशन लिखना चाहिए अल्फा निकालने के लिए? क्या आएगी इक्वेशन बताओ? 0.1 अल्फा इंटू 0.1 अल्फा प्लस 0.1 डिवाइड बाय 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फा। यहां से 0.1 कॉमन, तो 0.1 अल्फा 0.1 कॉमन निकाल के ये बन गया 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फा, 0.1 से 0.1 कैंसिल, 0.1 अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इज के ए। के ए इज 1.8 इंटू 10 रेस पर माइनस 5, 2 इंटू 10 रेस पर माइनस 5। अब पहले ये बताओ अगर मैं ये अल्फा निग्लेक्ट कर दूं 1 के सामने दोनों, तो यहां से अल्फा की वैल्यू निकालो कितनी आएगी? 2 इंटू 10 रेस टू पावर 0.1 से छोटी आ रही है, तो इसका मतलब हम अल्फा के सामने, अल्फा को 1 के सामने निग्लेक्ट कर सकते हैं। कर दो फिर, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10 रेस पावर माइनस 4। अब आप बताओ सॉल्यूशन में H प्लस की कंसेंट्रेशन टोटल जो आपने लिखी थी कितनी काउंट की थी? x प्लस 0.1 इक्विलिब्रियम पे, 0.1 अल्फा प्लस 0.1। अब आप खुद बताओ 0.1 अल्फा प्लस 0.1 में 0.1 अल्फा H प्लस कहां से आ रहा है? 0.1 अल्फा H प्लस कहां से आ रहा है? वीक एसिड से। ये इसकी वैल्यू कितनी होगी अगर आप पुट भी कर देते हो अल्फा, ये कितना होगा? 2 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 5, माइनस 5। और ये 0.1 कहां से आ रहा है? तो इसमें जब ये ऐड करोगे तो फाइनली क्या रहेगा? यानी कि एच प्लस का कॉन्ट्रीब्यूशन पूरे सॉल्यूशन में किसने किसके हाथ में चला गया? तो इसका तो कोई रोल ही नहीं था। यानी कि पीएच निकालनी होती ना, मैं अगर क्वेश्चन में सिर्फ पीएच निकालना तो मैं ये देखता ही ना, मैं सीधा बोलता HCl की मोलैरिटी 0.1 है, पीएच इज 1। पता लगा मैंने क्या कहा? मतलब मैंने ट्रिक क्या लगाई फिर? अब ये बताओ अगर मुझे ये क्वेश्चन में अगर पीएच निकालनी होती स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाले H प्लस की कंसेंट्रेशन देख लो,
एच प्लस की, मतलब अगर ये H2SO4 होता H2SO4, तो आप क्या बोलते उस केस में पीएच? मान लो ये 0.1 मोलर है और ये H2SO4 है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, आप क्या बोलते हैं? पीएच इज माइनस लॉग ऑफ डैश, एग्जैक्टली माइनस लॉग ऑफ 0.2। 0.2 क्यों किया? वेरी गुड, शाबाश। यानी कि जब भी कभी वीक एसिड का क्वेश्चन आ गया और वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स किया है, तो आप मोस्ट लाइकली ये काम कर सकते हो, सीधी एसिड की कंसंट्रेशन देख लो, और एसिड की कंसंट्रेशन देख के आप बता सकते हो पीएच कितनी होगी। तो अब आप मुझे ये बताओ, जब आपको ये पता लग गया कि एच प्लस की कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है, एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन कहां से मिलेगी? एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन कितनी है? और आप अल्फा निकाल चुके 2 × 10⁻⁴, तो ये बन गया 2 × 10⁻⁵। तो एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन होगी 2 × 10⁻⁵। अब इसका क्या जवाब दोगे आप? एसिटिक एसिड से आने वाला एच प्लस कितना है? एसिटिक एसिड से आने वाला एच प्लस 2 × 10⁻⁵। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 2 × 10⁻⁴। और सॉल्यूशन में एच प्लस की कंसेंट्रेशन 0.1 मोलर। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है आपको समझ नहीं आ रहा, या फिर घबरा रहे हो किसी तरीके से। खत्म करने लगे हैं यार, बस 5 मिनट और टाइम हो चुका है। बोलो भाई, जिंदा हो कि शहीद हो गए? अच्छा, इसी क्वेश्चन में मुझे एक चीज ये बताओ, अगर मैंने HCl ना डाला होता तब आप क्वेश्चन में मुझे क्या आंसर देते? व्हाट विल बी अल्फा ऑफ एसिटिक एसिड? मान लो इस क्वेश्चन में आपको नहीं दिया HCl, ये है ही नहीं, ऐसा है दिया बस ये, इस सॉल्यूशन इज 0.1 मोलर इन एसिटिक एसिड, यानी कि देयर इज नो HCl, तो उस वक्त अल्फा कितना होता है एसिटिक एसिड का? हैड इट बीन देयर नॉट एडिशन, HCl added in the solution, उस केस में आपका क्वेश्चन ये क्या बन जाता? जस्ट मोनोप्रोटिक एसिड की पीएच निकालना, और उस वक्त आप उसका अल्फा निकालते Ka/C का स्क्वायर रूट, और ये होता 2 × 10⁻⁵ बाई मोलैरिटी 10⁻⁻¹ का रूट। आप क्या लिखते हैं? √2 × 10⁻²। ये लिखते हैं। पर मुझे अब एक बात बताओ, क्या आप इस चीज से मानते हो? आपने एसिटिक एसिड का अल्फा कितना निकाला HCl की प्रेजेंस में, और अगर ना होता HCl तो ये अल्फा बड़ा होता या अल्फा घट गया? HCl के प्रेजेंस में घट गया ना, क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली HCl ने एसिटिक एसिड पे कॉमन आयन इफेक्ट लगा के, अगर HCl ना होता तो अल्फा इतना होता एसिटिक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो HCl के आने के कारण आप बता सकते हो एसिटिक एसिड की स्ट्रेंथ कितने गुना घट गई, मतलब हाउ मेनी टाइम्स इट हैज बीन वीक एसिड? दिस डिवाइड बाय दिस, पता चलेगी ये बात आपको, दिस डिवाइड बाय दिस। तो आप ये बता सकते हो कि कितने किस एक्सटेंट तक वो और वीक हो गया, किस एक्सटेंट तक कॉमन आयन इफेक्ट लगा। इज दैट क्लियर? तो मैं होमवर्क असाइन कर रहा हूं, क्लास खत्म, एडवांस पार्ट में याद है ना, हम एडवांस वाली शीट कर रहे हैं। अब तो आपका काम होगा आयनिक इक्विलिब्रियम पार्ट 1 में
एडवांस की शीट में से। सेक्शन ए सेक्शन डी, बी और सी नहीं अभी करने, वो मैंने नहीं पढ़ाए। आयनिक इक्विलिब्रियम पार्ट टू एडवांस में से सेक्शन ए एक्सरसाइज वन है, एक्सरसाइज वन। पार्ट टू में सेक्शन ए एंड डी, बी और सी नहीं करना सेक्शन, अभी पढ़ाया नहीं। एक्सरसाइज टू पार्ट वन में से सवाल नंबर वन और एक्सरसाइज टू पार्ट टू में से क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर फोर एक्सरसाइज टू पार्ट थ्री में से क्वेश्चन नंबर वन एंड टू एक्सरसाइज थ्री पार्ट वन क्वेश्चन नंबर वन बस अभी यही करो। होमवर्क विजिबल है ना, चलिए गोइंग टू एंड अप द मीटिंग। हाँ।